तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक जगह पर पूरी तरह से ड्रैगन्स का कब्जा था। वहाँ के लोग इन ड्रैगन से काफी तंग थे, तो वो ड्रैगन से एक समझौता करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो हर साल कई जवान लड़कियों को सेक्रीफाइस कर दिया करते थे, जिन्हें ड्रैगन आकर अपने साथ ले जाते थे उस जगह जहाँ पे ड्रैगन रहते थे। वो एक मैजिकल आइलैंड था जहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता था। कहा जाता था कि सिर्फ वही इंसान यहाँ जा सकेगा जो इन लड़कियों से सच्ची मोहब्बत करता होगा, यानी जिस लड़की को इस आइलैंड पर लेकर जाया जाएगा, जो उसका ट्रू लवर होगा वही इस लड़की को भी बचा सकेगा और उन ड्रैगन्स को भी मार सकेगा। एक बार एक बहुत ही प्यारी लड़की को सेक्रीफाइस कर दिया गया और उसे ड्रैगन्स ले गए, लेकिन जो लड़का उसे पसंद किया करता था उसने हार नहीं मानी। उसने बोला कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा और मैं इस आइलैंड का ढूंढ के ही रहूंगा। उसने दिन रात कोशिश शुरू कर दी और आखिरकार उसको वो आइलैंड मिल ही गया। जब वो इंसान उस आइलैंड पर पहुंचा तो उसे पता चला कि जिसे वो पसंद करता था वो लड़की तो अब इस दुनिया में ही नहीं रही, उसे ड्रैगन्स ने मार दिया था। उससे चीज बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सोचा कि मैं ड्रैगन्स को मार के ही चैन लूंगा। तो इसलिए कुछ दिन वो उसी आइलैंड पर रहा और एक दिन अचानक से उसने ड्रैगन को मार दिया। लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि ड्रैगन्स मारे जा चुके हैं और सब लोग इस आदमी की बहुत इज्जत करते थे, इसे ब्रेव मैन कहते थे कि इसने ड्रैगन्स को हंट किया। कई साल बीत गए और वो आदमी अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका एक ग्रैंड सन भी था। अब जिस मुल्क में वो रह रहा था वहाँ का राजा अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है और वो कोई और नहीं बल्कि उसे ड्रैगन हंटर का ग्रैंड सन था जिसका नाम इगोर था। सब लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि इगोर भी अपने दादा की तरह काफी स्ट्रांग होगा। अब वो दिन आ जाता है जब उन दोनों की शादी होने वाली थी। पिछले जमाने में जब ड्रैगन्स को बुलाना होता था लड़कियों को सेक्रीफाइस करने के लिए, तो एक ड्रैगन सॉन्ग गाया जाता था जिसको सुनकर ड्रैगन्स अट्रैक्ट होते थे और उस लड़की को उठाकर ले जाते थे। अब कई सालों से ड्रैगन्स का कोई अता पता नहीं था क्योंकि सब लोग यही समझ रहे थे कि ड्रैगन्स हमेशा के लिए मर चुके। तो वो दोबारा से इन लोगों की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए वो सॉन्ग गाने लगते हैं, अपनी मेमोरीज ताज़ा करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लोग सॉन्ग गाना शुरू करते हैं तो अचानक से वहाँ की हवाएं बदलने लगती हैं और अचानक से वहाँ पर अपेयर होता है एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का ड्रैगन। सब काफी हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया। वो राजा की ग्रैंड डॉटर को जिसका नाम मीरो सलावा होता है उसे उठाकर ले जाता है। सब देखते रह जाते हैं और कोई इसे रोक नहीं पाता, इवन इगोर भी नहीं, क्योंकि वो इतना कैपेबल ही नहीं था। वो ड्रैगन मीरो सलावा को लाकर उस आइलैंड पर छोड़ देता है जो कि काफी अंधेरा था। वो एक काफी बड़े ड्रैगन के स्केलेटन से बना हुआ था और कोई भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकता था। मीरो सलावा काफी ज्यादा वरिड होती है कि तभी उसे वहाँ पर एक और लड़का दिखता है। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का आगे से चुप रहता है, उसे अपना नाम भी नहीं पता होता। तो मीरो सलावा समझती है कि शायद ही काफी बचपन में ही यहाँ पर लेकर आया गया हो और इस बेचारे को तो अपना नाम भी नहीं आता। तो वो उसका नाम अरमान रखती है। वो दोनों भी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक खौफनाक सा ड्रैगन आ जाता है जिसे देख के मीरो सलावा काफी डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि अरमान कहीं पर भी नहीं होता और वो साइलेंट पर अजीबोगरीब छोटी छोटी क्रिएचर्स भी थीं जो कि काफी क्रीपी लुक दे रही थीं, जिन्हें देखकर मीरो सलावा काफी परेशान हो जाती है। मीरो सलावा रोने लगती है और उसे ये लगता है कि अरमान को ड्रैगन ले गया। तो वो गुस्से में उस आइलैंड पर पत्थर मारने लगती है जिससे उस स्केलेटन की एक बोन गिर जाती है और दूसरी तरफ का रास्ता निकल आता है। मीरो सलावा उस रास्ते के अंदर जाने लगती है लेकिन उसके सामने ड्रैगन आ जाता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। इससे बच के मीरो सलावा एक कॉर्नर पर चली जाती है जिसके नीचे पानी ही पानी था और तभी वहाँ पर अरमान आ जाता है। उसके साथ वही अजीबोगरीब क्रिएचर थी जो उसने ड्रैगन के साथ देखी। वो क्रिएचर मीरो सलावा पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी अरमान उसे रोक देता है और वो क्रिएचर अरमान की बात मानने लगती है। तो मीरो सलावा को ये डाउट होता है कि कहीं अरमान ही तो ड्रैगन नहीं, और वो उससे काफी ज्यादा डरने लगती है। मीरो सलावा का पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन अरमान फौरन से ड्रैगन में बदल जाता है। वो मीरो सलावा को गिरने से बचा लेता है लेकिन खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं।
मिरुसलावा फौरन से उठकर चिल्लाने लगती है कि मेरी मदद की जाए, क्योंकि अरमान अब दोबारा से इंसान बन चुका था और बेहोश हो चुका था। तो मिरुसलावा एक पत्थर उठाकर उसे मारने लगती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये तो मेरी जान बचाते बचाते खुद गिरा, तो हो सकता है कि अच्छा ड्रैगन हो। अरमान पानी के अंदर ही होता है और मिरुसलावा उसे बाहर निकालती है, यानी यहाँ दोनों ने एक दूसरे की जान बचाई थी। जब मिरुसलावा उसे आईलैंड पर लेकर जाती है तो अरमान फिर से ड्रैगन में बदलने लगता है, लेकिन मिरुसलावा ये देख के डर जाती है और अरमान भी दोबारा से इंसान बन के बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो काफी वीक हो चुका था। अगले दिन मिरुसलावा प्लान करती है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। लेकिन उस दिन काफी ज्यादा स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो मिरुसलावा वहाँ से भाग नहीं पाती। फिर रात हो जाती है और वो सो रही होती है। उसने अरमान के जिस्म पर जो जो जख्म थे यानी वाउंड्स थे उनको ठीक किया था कुछ हर्ब्स लगा के। उस रात मिरुसलावा को एक ख्वाब आता है कि एक गोरू से बचाने आया है और वो दोनों गले से लग जाते हैं, क्योंकि मिरुसलावा सच में वापस जाना चाहती थी। लेकिन ये क्या, जब उसकी आंख खुलती है तो उधर एक गोर की जगह अरमान होता है और वो उससे कहता है कि इजी रहो, तुम मेरे साथ सेफ हो। अब हम देखते हैं कि कई दिन गुजर जाते हैं, दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होने लगा था और उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो एक साथ खेलते, स्विमिंग करते और भागते रहते थे। लेकिन अरमान एक दिन बैठकर सोचने लगता है कि ये मुझ पर ट्रस्ट करती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरे अंदर का ड्रैगन कब बाहर आकर इसे नुकसान पहुंचा दे। तो वो मिरुसलावा को अपनी सारी कहानी बताता है कि मैं कैसे ड्रैगन बना। वो कहता है कि मेरे फादर एक ड्रैगन थे, वो यही चाहते थे कि मैं भी ड्रैगन बनूं, लेकिन मैं एक इंसान बनकर अपनी जिंदगी को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकता था, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। और इसी तरह एक दिन मैं खेल रहा था तो मैंने ये देखा कि एक इंसान आकर मेरे फादर को मेरी आंखों के सामने मार गया। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि इगोर के ग्रैंडफादर थे, यानी वही ड्रैगन हंटर। और जो बच्चा हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया वो अरमान ही था। इसलिए अरमान का ट्रस्ट इंसानों पर से हट गया और उसने सोचा कि मैं इंसान बनके क्या करूंगा, ये तो जालिम होते हैं। और अब वो अपने फादर का बदला लेने वाला था, इसलिए उसने सोचा कि वो ड्रैगन ही बनेगा। लेकिन साथ ही वो ये भी बताता है कि ड्रैगन बनने के बाद मुझे पता चला कि ड्रैगन्स भी अच्छे नहीं थे, वो आप लोगों के मुल्क से जिन भी लड़कियों को लाते थे उन्हें अपनी आँख से चला देते थे, और जो राख बचती थी उनसे बेबीज पैदा होते थे, और मैं भी उन्हीं बेबीज में से एक बेबी हूँ, इसीलिए मैं आधा इंसान और आधा ड्रैगन हूँ। मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया है, मैं वैसा ड्रैगन नहीं जो इंसानों को चला कर मार दूँ, और मैं ये भी बहुत कंट्रोल करता था कि मैं कभी ड्रैगन ना बनूँ। लेकिन मिरुसलावा, जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही थी तो तुम्हारे मुल्क के लोगों ने एक बार फिर से ड्रैगन सॉन्ग गाया जो कि मेरे बचपन की याद था, और मैं उसे एक तरफ खींचा चला आया, और पता नहीं क्यों मैं तुम्हें उठाकर अपने साथ ले आया। तो मिरुसलावा उसे कहती है कि ठीक है, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे इस ड्रैगन पर काबू पाने के लिए। अरमान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई बचाने यहाँ पर आने वाला है कभी। तो मिरुसलावा कहती है कि हाँ, मैं अपने मंगेतर का इंतजार कर रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और देखना वो मुझे लेने जरूर आएगा। ये सुनकर अरमान की ऐसी शक्ल बनती है और वो मिरुसलावा की तरफ ऐसे देखता है जैसे वो जेलस हो रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मिरुसलावा अच्छी झलकने लगी थी। और मिरुसलावा भी दोबारा इस आईलैंड से क्यों नहीं भागी, क्योंकि उसे अरमान में अच्छाई दिखने लगी थी, वो दोनों दोस्त बन चुके थे। एक दिन मिरुसलावा बैठे बैठे सोच रही होती है कि जो भी हो मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, मैं अरमान को ऐसी शो कराऊंगी जैसे ही मुझे अच्छा लगने लगा है, और एक दिन मौका पाकर यहाँ से भाग जाऊंगी ताकि अरमान को यकीन ही ना हो कि मैं कभी यहाँ से भाग सकती हूँ और वो मुझ पर कम नजर रखे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इतने ज्यादा दिन गुजर जाने के बाद वो दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और मिरुसलावा को लेने के लिए एक और भी नहीं आता। लेकिन एक रात मिरुसलावा को ख्वाब आता है कि अरमान एक खतरनाक ड्रैगन में बदल गया है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो अरमान उसके सामने होता है जो कि उसे सिर्फ जगा रहा था। मिरुसलावा उसे काफी डर जाती है, लेकिन उसे नहीं बताती कि वो उससे डर रही है या वो अब उसके साथ वाकई नहीं रहना चाहती। मिरुसलावा फिर से सोचने लगती है कि जैसे इसकी नजर इधर उधर हो तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। और एक दिन वो यही प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन अरमान को इसके बारे में नहीं पता होता। वो उसके पास कुछ फूल लेकर आता है उसे सच में बताने के लिए कि मैं अब एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं ड्रैगन नहीं बना करूंगा, और ये कि वो उसे पसंद करने लगा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मिरुसलावा तो वापस जाना चाहती है और वो अरमान पर यकीन ही नहीं कर रही, तो उसका काफी दिल टूटता है। तो वो मिरुसलावा से कहता है कि जो मर्जी करो, तुम जाना चाहती थी ना, जाओ।
मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा अब। और ये कह के वो गुस्से से केव के अंदर चला जाता है, क्योंकि गुस्से में और दुख में उसका ड्रैगन उसके जिस्म से बाहर आने लगता था और वो ये नहीं चाहता था अभी भी कि वो मीरो सलावा को हर्ट करे। मीरो सलावा उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन ही नहीं किया, क्योंकि उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि सिर्फ मेरी खातिर अरमान ने खुद के ड्रैगन पर काबू पाया और मैंने ही उसे धोखा दिया। अगर मैं जाना चाहती थी तो मुझे उसे साफ साफ कह देना चाहिए था, इस तरह उसकी फीलिंग्स के साथ तो ना खेलती। लेकिन अरमान भी अब उससे खुद दूर होना चाहता था, क्योंकि वो कहता है कि अब देर हो चुकी है, मैंने जितनी देर लगाई इस ड्रैगन को कंट्रोल करने में, तुमने एक पल के अंदर वो सब तोड़ दिया। अब मेरा ड्रैगन मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं सब हार चुका हूँ। तो मीरो सलावा को मजबूरी में बोट लेके वहाँ से जाना पड़ता है, वो काफी उदास होती है। दूसरी तरफ समंदर में हम ये देखते हैं कि इगोर और उसका भाई भी मीरो सलावा को काफी अरसे से ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये आइलैंड मैजिकल था तो वो इसको ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि इगोर मीरो सलावा को पसंद नहीं करता था, ना ही उससे प्यार करता था, वो तो बस ये चाहता था कि राजा की ग्रैंड डॉटर से उसकी शादी हो जाए। वो काफी डरपोक था, वो अपने भाई से कहता है कि भाई मुझे डर लग रहा है, वापिस चलते हैं। और उसकी बातों से ये भी लग रहा था कि मीरो सलावा मरे या जियो से क्या परवाह। तो उसका भाई कहता है कि तुम कितने डरपोक हो, और जब देखता है कि इगोर को ही कोई परवाह नहीं उसके मंगेतर की, तो फिर हम यहाँ पे सर खपाई कर ही क्यों रहे हैं। वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि दूर से उन्हें मीरो सलावा दिखाई देती है। यहाँ पर इगोर फौरन से यूटर्न लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितना अरसा ढूंढा, तुम कहाँ थी मुझे याद आती थी। और उससे ये भी कह देता है कि चलो मैं उस ड्रैगन से बदला लेना चाहता हूँ। मीरो सलावा अभी भी दिल से ये नहीं चाहती थी कि ड्रैगन को कुछ हो, तो वो उनसे कहती है कि ड्रैगन अब उस आइलैंड पर नहीं रहता, वो मर चुका है, तुम लोग बस पैलेस चलो। और फिर सब वो लोग महल चले जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि मीरो सलावा और इगोर की शादी का इवेंट दोबारा से रखा जाता है, और सब काफी ज्यादा खुश थे कि मीरो सलावा लौट आई थी। यहाँ पर शादी की सब रस्में शुरू होती हैं। मीरो सलावा को पानी में एक बोट पर लिटाया हुआ था और ऊपर से सब उस पर फूल फेंक रहे थे। लेकिन जब मीरो सलावा ये रस्में कर रही होती है तो हम ये अच्छी तरह से नोटिस कर पाते हैं कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं, यानी वो दिल से इस शादी से सेटिस्फाई नहीं थी, उसे वो ड्रैगन यानी अरमान अभी भी याद आ रहा था। दूसरी तरफ आइलैंड में हम ये देखते हैं कि अरमान पूरी तरह से टूट चुका था, वो उस आइलैंड से पानी के अंदर जंप लगा देता है, और साथ ही उसके हाथ में वो म्यूजिक बजाने वाला छोटू सा इंस्ट्रूमेंट भी था जिसे गिरते गिरते वो बचाने लगता है और मीरो सलावा को याद करने लगता है। दूसरी तरफ मीरो सलावा के दिल को भी सुकून नहीं आ रहा होता, तो वो चिल्लाने लगती है कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ, रोको ये सब, मैं एक और को पसंद नहीं करती, मुझे वो ड्रैगन चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। जब सब ये सुनते हैं तो काफी हैरान रह जाते हैं, और एक और तो सबसे ज्यादा। तभी मीरो सलावा वो ड्रैगन सॉन्ग गाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो गाना गाती है तो देखती है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। वो काफी उदास हो जाती है ये सोचते हुए कि शायद अरमान ने वाकई अपनी जान ले ली। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के साथ ही हवाएं बदलने लगती हैं, और साथ ही वहां पर आ जाता है वही ब्लैक ड्रैगन यानी अरमान, और वो मीरो सलावा को अपने साथ उठाकर ले जाता है। मीरो सलावा भी खिल उठती है। इगोर पहले तो कुछ नहीं करता क्योंकि वो ड्रैगन से डर रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसको दूर लेके जाने वाला होता है तो इगोर अपनी तरफ से नकली का उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो इगोर का भाई उसे मारता है और कहता है कि बस करो अपनी एक्टिंग और जाने दो मीरो सलावा को, तुम डिजर्व ही नहीं करते थे। ड्रैगन मीरो सलावा को उसी आईलैंड पर ले आता है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पर आग फेंकने ही वाला होता है, उसी रस्म की तरह जो कि ड्रैगन्स लड़कियों पर आग फेंक कर उन्हें जला दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर मीरो सलावा उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो ड्रैगन काफी हैरान हो जाता है कि मेरे इस रूप को भी देख के मुझसे ये कह रही है। तो मीरो सलावा कहती है कि हाँ अरमान, तुम चाहे मुझे जला दो या अपने पास रखो, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं वाकई तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। ये देख के वो ड्रैगन भी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और मीरो सलावा की गोद में सर रख लेता है, क्योंकि किसी ने पहली बार उसके इस ड्रैगन रूप में उसे इस तरह से प्यार से बात की। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाती है और वो काफी खुशी से रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी एक छोटी सी बेटी को कहानियां सुना रहे होते हैं, यानी उन्हें साथ रहते हुए काफी अरसा हो चुका था और वो आगे भी एक साथ उसी जगह पर रहना चाहते थे। वो छोटा सा क्रिएचर उनकी बेटी का ख्याल रखता है और वो दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।